हरि ओं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं तारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनो जवम आरुततुल्य वेगम जीतेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजम वानरयो उत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्वैश्वै सीता रामचंद्राय नमः श्री गुरुभ्यो नम हिंदू महासभा की ओर से आज के इस अमृतवाणी कार्यक्रम में दर्शकगण हम आपका स्वागत करते हैं आज हम लोग चर्चा करें गंगा जल के महत्व के बारे में विश्व के जितने भी धर्म हैं जितने भी मानने वाले जो भी मानते हैं सब किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार के पूजा विधि आदि को संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध माना जाता है हमारे सनातन वैदिक परंपरा में भी अनेक प्रकार के पूजा विधियों की चर्चा हुई हर एक युग का अपना एक पूजा पद्धति होता है और पूजा करने के लिए पूजा संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार के सामग्रियां भी हमारे शास्त्रों ने उल्लेख किया हुआ है यदि हम श्रीमद् भगवत गीता के नवे अध्याय के छब्बीसवें श्लोक पर ध्यान दें तो भगवान श्री कृष्ण कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम कि जो भक्त मुझे पत्र यानी पत्ता पुष्प फल और जल अर्पण करता है वह मैं स्वीकार कर लेता हूं इस नाते से हमारे जितने भी पूजा विधि हैं, वह सब इन चार वस्तुओं के ऊपर आधारित होता है जहां तक पत्ते की बात है अलग अलग देवी देवता का अपना अलग अलग पत्ता माने जाते हैं जैसे आप सभी को पता है भगवान विष्णु को हम तुलसी के पत्ता चराते हैं गणेश जी को दुर्वा चराते हैं भगवान शंकर को बिल्व पत्र आदि आदि होता है और फलों का भी अपना एक यही विधान है और फूलों का भी अपना यही विधान है अलग अलग देवता का अपना अलग अलग फूल माने जाते हैं जैसे शंकर भगवान को मदार के फूल चराया जाता है आदि लेकिन जल जो होता है वह समस्त देवी देवताओं को हमारे जितने भी आराध्य हैं हम सब को वही समान जल अर्पण करते हैं वैसे जल के कई रूप होते हैं लेकिन पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी जिस रूप में भी हमें जल की प्राप्ति होते हैं जल का दर्शन होता है उन सब को हम गंगा जल के तुल्य मानते हैं यह सब गंगा जल के बराबर समझे जाते हैं इसलिए हर एक सनातन धर्म मानने वाले के लिए तो है ही अपितु पूरे विश्व के हर एक प्राणी गंगा जल के महत्व एवं गंगा जल की पवित्रता और उनकी शुद्धता सब समझते भी हैं और मानते भी हैं। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में गंगा जल के विषय में बताया है कि सुरसरी सरसरी दिन कर कन्या गंगा जल सुरसरी है सुरसरी का मतलब होता है कि यह देवताओं के लोक से उत्पन्न हुई है और गंगा जल इतने पवित्र इसलिए माने जाते हैं क्योंकि गंगा जल तीनों देवों का या फिर हमारे त्रिदेव भगवान शंकर ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के स्पर्श से उत्पन्न हुए गंगा जल इसको हम विष्णुपदी मानते हैं क्योंकि यह भगवान श्री हरि विष्णु के स्वीचरणों से उत्पन्न हो करके ब्रह्मा जी के कमंडल से होते हुए तब भगवान शिव की जताओं में से हमारे इस धरातल पर बहती है इस नाते से गंगा जल विष्णु जी ने भी स्पर्श किया ब्रह्मा जी ने भी स्पर्श की और महादेव के स्पर्श में भी आए इसलिए यह जल अति पवित्र माना जाता है जन्म से मृत्यु तक जितने भी हमारे संस्कार होते हैं जब भी हम उन संस्कारों को संपन्न किया करते हैं हमारे पूजा विधि में उसमें गंगा जल का प्रयोग किया जाता है हमारे नित्य कर्म में जो हम रोज प्रतिदिन अपनी पूजा अर्चना करते हैं जहाँ पर हमें अपने विग्रहों को अपनी मूर्तियों की स्नान कराना होता है यदि दूध दही घी मत ये सब उपलब्ध ना हो तो हम मात्र गंगा जल से अपनी मूर्तियों का अपने शालिग्राम का हम उनके स्नान संपन्न कराते हैं गंगा जल को अमृत के तुल्य माना गया है और गंगा जल को मोक्षदायिनी भी कहा गए कहा गया है बंगाल के बड़ी प्रसिद्ध लेखक श्री गुलाम हुसैन जी ने अपनी एक किताब में इस बात की चर्चा की कि मधुरता शुद्धता स्वाद और हल्केपन में गंगा जल के बराबर कोई और जल नहीं होता और कितने दिन तक उसको रखें वह बिगड़ते नहीं है इस बात को वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया हुआ है कि गंगा जल के अंदर ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज पाया जाता है जो इस जल की शुद्धता को बनाए रखते हैं हमारे यहाँ कोई भी कार्य हम लोग करें एक तो शुद्धता के लिए गंगा जल का प्रयोग तो किया ही जाता है और दूसरा हम लोग यह भी मानते हैं कि अपने घर की सफाई करने के पश्चात उनकी पवित्रता लाने के लिए हम छाऊ ओर से गंगा जल छिड़कते हैं गंगा जल का सेवन करना गंगा जल का दर्शन करना गंगा जल की जैसे कहे गंगा जी के नाम उच्चारण करना यह सब जो है एक समान फल देने वाला समझे जाते हैं हर एक सनातन धर्मावलंबियों को कम से कम इतना कोशिश करनी चाहिए हमारे ऋषि मुनिगन कहते हैं कि अपने जीवन में कम से कम एक बार गंगा जी का स्नान करें या फिर जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं एक बार गंगा जी में डुबकी अवश्य लगाएं फिर यह भी हमारे शास्त्र कहता है कि हर एक के घर पे गंगा जल होनी चाहिए यद्यपि समस्त देवी देवताओं के पूजा में गंगा जल प्रयोग में तो लाया ही जाता है लेकिन आप सभी जानते हैं भगवान शंकर की पूजा में कुछ हद तक हम कहें कि गंगा जल का होना अनिवार्य समझे जाते हैं यदि भगवान शंकर को दो वस्तुएं अति प्रिय होता है तो एक तो वह है गंगाजल और दूसरा बिल्वपत्र। रामेश्वरम की स्थापना करते समय मानस में रामचरित मानस के उत्तर कांड में गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कहता है कि भगवान श्री राम ने जब रामेश्वर की स्थापना की तो स्वयं भगवान श्री राम कहता है कि जो गंगा जल आनी चराई मतलब इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर जो कोई गंगा जल चराएगा, मेरी भक्ति को प्राप्त होगा कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि स्वयं भगवान श्री राम भी इस गंगा जल की महत्व को समझते हैं मानस में ही गोस्वामी जी ने राम कथा को जग गंगा कहा गया है तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि गंगा जल तो भारत में बहती है लेकिन रामकथा रूपी गंगा पूरे विश्व में बहती है इससे हमें समझ में आता है कि गंगा जल का कितना महत्व हो सकता है और इतना आपको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति से आया हुआ कोई भी वस्तु कभी भी जैसे कहें बासी नहीं होते वह नित्य हमेशा बराबर रहता है और आप जानते ही हैं कि हम लोग अभी एक दो ही सप्ताह के अंदर महाशिवरात्रि का पर्व मनाने जा रहे हैं और जैसे मैंने उल्लेख किया है कि भगवान शंकर की पूजा में गंगा जल का होना अनिवार्य है इसलिए आप सभी लोग अपने उस महाशिवरात्रि पर्व को संपन्न करने के लिए जो गंगा जल की आवश्यकता होगी आप उसका प्रबंध अतिशीघ्र करें ताकि भगवान शंकर की महान रात्रि को हम वही गंगा जल से शिवजी का रुद्राभिषेक करें और आज इस कार्यक्रम को मैं विराम की ओर लेकर तो निवेदन करना चाहूंगा कि सभी को यह प्रयत्न करना चाहिए कि सभी के घर में नित्य रूप जैसे कहें परमानेंटली गंगा जल सबके घर में होना चाहिए कहा जाता है मनुष्य के अंतिम समय में यदि उनको थोड़ा गंगा जल पिलाया जाए और एक दो बार वह राम नाम का उच्चारण कर ले तो वह परम गति सदगति को प्राप्त होते हैं अब जब आदमी की मृत्यु होता है उस समय हम गंगा जल ढूंढने निकलेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगा इसलिए सभी को अपने घर में गंगा जल रखनी चाहिए और उसको अपने घर में रखने से घर की शुद्धता और वातावरण की पवित्रता बनाए रखते हैं मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप गंगा जल के महत्व को थोड़ा समझ सकें और उसको अपने जीवन में उतारने की प्रयास करें चलिए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम सत्यम शिवम सुंदरम ओम शांति ही शांति ही शांति ओम श्री श्री सीताराम चंद्रार्पण वस्तु साधुवाद जय श्री हरि